पता नहीं फ्रंट कैम से दिखा होगा कि नहीं, पर सुबह के पूरे 7 बजे हैं और धूप लग रही है यहाँ पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। और रौनक पूरे 7 बजे हैं, देखिए रौनक यहाँ अभी मज़े से सो रहा है, तो मैं भी इसको सोने दूँगी। तो मम्मी जो है अभी इस टाइम पीछे झाड़ू मार रहे हैं, तो मैं भी उठ गई हूँ। मैंने फेस वगैरह वॉश किया है, तो गांव में जो है शाम के टाइम नहाते हैं, क्योंकि जब डैडी आते हैं पीछे से, मतलब कि कुछ ऐसा होता है यहाँ पे कि शाम के टाइम ही नहाते हैं, तो मैं भी शाम के टाइम ही नहाती हूँ। शाम को नहा के सोई थी, तो शाम को नहाऊँगी फिर सो जाऊँगी नहाने के बाद, खाना खाने से पहले। तो कुछ ऐसा ही बनता है यहाँ पर, सर्दियों से यही सिलसिला चला रहता है। मतलब कि सर्दी में ऐसा करते हैं, शाम को नहाते, फिर जब बहुत गर्मी होती है फिर सुबह शाम दोनों टाइम भी नहा लेते हैं। ज़्यादा गर्मी तो वैसे होती नहीं है, 2 महीने ही होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत आज मैंने सुबह 7 बजे से कर दी है। थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ किचन में। मैं बनाऊँगी अभी चाय ब्रेकफास्ट में, और उसके साथ चिलड़े, तो आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। वैसे मम्मी अच्छे बनाते हैं, मैं भी बना लेती हूँ, देखती हूँ कैसे बनेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से डेट की बात करें, तो आज डेट है 2 अक्टूबर, दिन है फ्राइडे, सुबह के बजे हैं पूरे 7। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम है, सनी सनी सा है, खुश्क ठंड है। तो चलिए मैं बाहर दिखाती हूँ आपको, धूप लग गई है, मतलब कि अभी अभी सनराइज़ हो रहा है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं बाहर। रौनक यहाँ पर सोए हुए हैं, तो मैं बैक कैम से यहाँ देखिए, इधर साइड को भी धूप हल्की हल्की आनी शुरू हो गई है। इधर को बिल्कुल नहीं है धूप। जहाँ हमारा घर है यहाँ इस साइड को धूप आ जाती है जल्दी। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना सन, और ये देखिए इस साइड को ही आती है धूप। ये देखिए इस साइड को, यहाँ पे तो इधर साइड को तो धूप आती नहीं है, बस इतनी ही सी आती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए चलते हैं किचन में, और किचन में भी ये देखिए मैंने कल की हल्की हल्की सी सफाई की थी। यहाँ देखिए, और ये देखिए यहाँ पे ना ऊपर को, ये देखिए ये वाला पोर्शन अभी हमने प्लास्टर करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर छत लगी थी तो सरिया पकड़ने के लिए, लोहे के लिए पूरा ही इन्होंने कर दिया था। तो पीछे जब काम खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पे बहुत सारे छेद हैं, परले वाले रूम में भी है, पिछले वाले में भी, नीचे तक निकाल देते ताकि छत के लिए जो है सरिया बेल्ट करने के लिए लेंटर का हो जाए, इसलिए ये यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ देखिए ये है रौनक की, पूरी व्यवस्था की जाती है रौनक की ताकि बार बार ना जाना पड़े। ये देखिए इसमें, ये देखिए कैंडीज भी है, तो रौनक के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। तो चलिए यहाँ देखिए मम्मी ने फ्रिज से निकाल के रखे हैं, ये देखिए फोकस नहीं हो रहा था, ये देखिए ये वही पत्रोड़ू है जो मैंने बनाए थे, 2 बचे हुए हैं, तो अभी इनको फ्राई करूँगी, देखूँगी। तो चलिए जल्दी से मैं वो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। आटे के, हम लोगों के चावल के नहीं बनते हैं, बहुत से लोगों के चावल के बनते हैं लेकिन हमारे नहीं बनते, हमारे आटे के बनते हैं, सिंपल आटे के, नमक डाल के। हालांकि उसमें डाल सकते हैं जैसे और भी कुछ, लेकिन मैं सिंपल वाले बनाऊँगी आज, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। चलिए आप भी देखिए किस तरह से बनाते हैं।
मुझे नहीं पता मेरा चिलड़ा कैसा बनेगा, लेकिन जैसा भी बनेगा दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत कम चिलड़े बनाए हैं आज तक। ये देखिए, ये है धैतू, और थोड़ा थोड़ा ना इसमें वो भी लगी है, देखो गीले में रह गया होगा, इसको साफ करके इससे निकालूंगी मैं। ये ना हमारे पकवान निकालने के काम आते हैं। ये देखिए निकल गया, और यहाँ से देखिए कितना अच्छा बन के हुआ है तैयार। यहाँ पे ना मैंने दूध लगाया हुआ है रौनक के लिए, ये देखिए। यहाँ देखिए ये आने शुरू हो गए हैं, क्या बोलते हैं उनको, कोलत। तो कोलत लाए हैं कल के, और ये देखिए पीछे, और ये देखिए मैं जा रही हूँ साइड में, सब्जी लाऊंगी, हरी सब्जी अच्छी बनती है मिक्स जैसी। यहाँ पे ही गांव के अंकल हैं एक, वो ले आए थे कल सब्जी, तो उसके साथ मिक्स करने के लिए ले आऊँगी। सरसों ही ले आए थे वो, तो हमारे यहाँ अपनी भी है काफ़ी सारी सब्जी, वो निकाल दूँगी मैं मिक्स जैसी, फिर अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं किचन गार्डन, और निकाल के लाते हैं ग्रीन वेज। आज आप लोगों के साथ में रेसिपी वगैरह भी शेयर करूँगी, रेसिपी तो नहीं बोल सकते, खाना जो हम खाना डेली बनाते। ये सब्जी निकालूँगी मैं आज यहाँ से, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ देखिए, और वहाँ देखिए, वहाँ से सूरज निकल रहा है, ये देखिए। और वो जो पीछे दिख रहा है ना, वो यहाँ का प्राइमरी स्कूल है हमारा। चलिए फटाफट निकाल देती हूँ, देर नहीं करती हूँ। यहाँ पे तो मुझे बोला है कि अंदर से निकालने हैं अच्छे अच्छे पत्ते इस टाइप के, ये देखिए बड़ी अच्छी होती है ये, यहाँ देखिए। तो चलिए फटाफट निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम फ्रेश पानी आ रहा होता है हमारे टैप में, तो सब्जी धो लूँगी। सब्जी के बाद फिर मैं बाहर का फर्श सारा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अंदर साइड को हम पोछा ही मारते हैं, लेकिन यहाँ बाहर मैं सुबह कभी कभी बीच बीच में इस तरह से सफाई कर देती हूँ, इस तरह से काफ़ी अच्छा हो जाता है। हेलो जी, क्यूटी पाई आ गए आप, आ गए क्यूटी पाई, देख लीजिए ये हमेशा आती है और आज भी आ गई है। चलो डॉग भी आता है। सब्जी मैंने अपने ऊपर अच्छे से धो के रख दी है, तो जितने में उसका पानी जो है साफ़ हो जाएगा, उतने में मैं अपना फर्श साफ़ कर दूंगी। और फर्श साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे सर्फ़ और पानी के साथ अच्छे से, मतलब कि इसको रख दिया था छोड़ के, फिर इसको मैं अच्छे से इस तरह से करूँगी, और बहुत अच्छा चमक जाता है इस तरह से सर्फ़ से। और जो ये टाइल्स लगी है यहाँ पर बहुत अच्छी है, फिसलने वाली बिल्कुल नहीं है, देखिए पानी और सर्फ़ के साथ ही, मतलब कि फिसलते नहीं है, अच्छी जैसी है खुरदरी सी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से मैं कर दूंगी सफाई, मम्मा इन सफाई मोड। और ये जो झाड़ू है ये इधर लोकल ही आते हैं हमारे बेचने वाले, जब मुझे ये घास मिलेगा कहीं तो मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। बहुत अच्छे झाड़ू लगते हैं मुझे, इस झाड़ू के आगे तो महंगे से महंगे झाड़ू भी फेल हैं, इतना अच्छा होता है ये झाड़ू। झाड़ी उस पहाड़ के पीछे है जितना कि मुझे पता है। और देखा आपको हल्की हल्की शेडिंग दिख रही है क्या है? जो आपको हल्की हल्की शेडिंग दिख रही है ना, वो हिमालय पहाड़ है। पहले वहाँ पर ऐसे खूब बर्फ होती थी, अब तो यहाँ से देखेंगे तो बहुत कम होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारी बर्फ़ पिघल गई। हिमालय पहला कितने बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था पता भी नहीं है, इतने सारे ग्लेशियर हैं जो अभी तक पिघल गए हैं। आपको पता है अगर दुनिया के हर ग्लेशियर, यानी नॉर्थ और साउथ जो आर्कटिक सर्कल में है ना, उसमें सारे ग्लेशियर्स, और जो साउथ में तो उसके सारे ग्लेशियर्स पिघल जाए ना, तो अर्थ का वाटर ना 70 मीटर्स तक ऊपर हो जाएगा। 70 मीटर्स सोचो, जो
किनारे पर शहर होंगे ना, वो तो सारे डूब जाएंगे। और ये था रौनक बाबा जी का आज का ज्ञान, जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत जो वो खुद से बनाता है मैं भी रहने देती हूँ, ताकि मेरे लिए भी यादगार रहे। जब कभी मैं बाद में देखूँगी बुढ़ापे में, रौनक की आवाज़ अच्छी लगेगी, रौनक खुद भी सुनेगा, खुश हो जाएगा। तो ये हो गई है मेरी सारी सफाई, फूलों में भी पानी वगैरह डाल दिया है। अच्छा लगता है सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश पानी से, और पानी भी चला गया, ठीक 9 बजे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने कर दिया है, ऊपर वाली साइड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे रख दिया था पहले ही, ये कल करूँगी अब यहाँ पे। ये देखिए ये भी रख दिया था, फिर आगे मिर्च वगैरह अभी और भी निकालना है। ये देखिए तो चलिए अब कट करती हूँ। ये देखिए अब सब्जी उठाती हूँ यहाँ से, अब सब्जी कट करती हूँ फटाफट से, खाना बनाना है 10 बजे के लिए मुझे फटाफट। तो आज मैं बनाऊंगी हरी सब्जी और भटूरू, बहुत यम होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे आटा निकाला हुआ है, हल्का सा गुनगुना सा पानी गरम करूंगी और इसको ना मैं अच्छे से गूंथूंगी, जैसे मैं और बार गूंथती हूँ, हल्का सा वैसे नहीं, काफ़ी अच्छे से गूंथूंगी मैं ये आटा। और फिर उसके बाद मैं करूंगी सब्जी कट, हरी सब्जी फ्राई करूंगी और फिर भटूरू बनाऊंगी। हरी सब्जी और भटूरू बहुत टेस्टी होते हैं, आप लोगों के साथ भी थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगी, क्योंकि 9 बजे हैं पूरे, 10 बजे के लिए मुझे मतलब कि आटा गूंथ के रखना है और सब्जी बना के रखनी है, फिर 10 बजे के बाद वीडियो भी एडिट करनी है। शाम को वीडियो की एडिटिंग वगैरह नहीं हुई थी, तो मम्मी ऊपर ना तिल कूट रहे हैं, मतलब कि तिल से वो छिलके निकाल रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो फटाफट आटा गूंथ देती हूँ, उतना दिखाने लायक उसमें कुछ नहीं है, वैसे ही बस सिंपल सा ईस्ट डाल के गूंथना है इसको अच्छे से, बस इसको अच्छे से गूंथना होता है ताकि भटूरू भी हमारे अच्छे हल्के हल्के से बने। तो चलिए फटाफट करती हूँ मैं ये काम, फिर मैंने जो सब्जी बाहर रखी है ये देखिए मैंने बाहर बैठ के ये हरी सब्जी कट कर दी है। इसके साथ ही मैंने 5 बड़े बड़े आलू कट कर दिए हैं और ये देखिए 4 मैंने बड़े बड़े प्याज कट किए हैं, क्योंकि सब्जी थोड़ी ज़्यादा बनेगी, ऊपर फिर जो काम करते हैं उनको ज़्यादा खाने होते हैं। और यहाँ देखिए मैंने निकाला है कोरिएंडर सीड, और इसी के साथ ही मिर्च भी लाई थी कहीं, हाँ ये देखिए ये है मेरी मिर्च। थोड़ी चटपटी सी बनाऊँगी, सिंपल तड़का लगाऊँगी, दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनाती हूँ। क्योंकि मुझे कल एक कमेंट मिला था, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट आ मिला था, उन्होंने बताया था कि प्लीज़ आप रेसिपी भी शेयर कीजिए। देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि रेसिपीज तो हम बोल नहीं सकते हैं, डेली का ही खाना होता है जो भी होता है नॉर्मल सा। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह बनाती हूँ हरी सब्जी। अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, यमी लगती है और मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा मसाले ना ऐड करके। इस तरह से कभी बना के देखिएगा कितनी अच्छी बनती है। तो चलिए देखिए कैसे लगा ना। तो देखिए सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें ये मिर्चें, आधी आधी करके डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी ऐसा। और इसके बाद डाल दूंगी ये कोरिएंडर सीड इस तरह से, बस ज़्यादा मुझे कुछ नहीं डालना है इसमें मसाला, ऐसे ही। और इसमें डाल दूंगी मैं अब हल्की सी, ये देखिए हल्दी हल्की सी बिल्कुल, और इसके ऊपर डाल दूंगी मैं एक चम्मच आलू। तो आलू को मैं इस तरह से अब ऑयल में भून लूंगी। इस तरह से ना बहुत ही यम सब्जी बनती है, बहुत ज़्यादा। और कैमरा मैन अभी रौनक है, फिर ट्राईपॉड नहीं लाया है। और ये देखिए मेरा कैमरा मैन वहाँ जाता हुआ, मुझे बीच में अकेला छोड़ के, इसको इसके दादी ने ऊपर बुला दिया। तो चलिए अब मैं भी अपना काम आगे जारी रखूं। और यहाँ हो रही है तिल की कुटाई, यहाँ देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे ये कूट कूट के रखी हुई है, बीच बीच में दिख भी रही है, ये देखिए ये है तिल। यहाँ देखिए कैसे आगे से कूटते कूटते ले आई है। यहाँ देखिए व्यू भी दिखाती हूँ आपको, देखिए 9:30 10 बजने वाले हैं। ये देखिए बस इस साइड को ही धूप है, उधर साइड को तो धूप का नामो निशान नहीं होता है। तो यहाँ हल्की हल्की धूप आती है। क्या हुआ मम्मी? जो है रौनक के लिए हंस रहे थे, क्योंकि रौनक ने डैडी के गम बूट्स पहने थे और उसके साथ ही वो चल रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने भी अपने भटूरू बनाने कर दिए हैं शुरू, कुछ मैंने बना दिए हैं, कुछ मैं बारी बारी से बना दूंगी। तो हाथ से ही बनते हैं ये, इसके लिए बेलन का प्रयोग नहीं किया जाता है और बिल्कुल हल्के हाथ से ये बनाने होते हैं। तो मैं छोटे छोटे बनाऊँगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े जो हैं फिर वो बेले हुए अच्छे लगते हैं, बेल के जो बनाते हैं। वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो जो बनता जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी।
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ग्रीन वेज भी फ्राई कर दी थी। ग्रीन वेज जो है फ्राई करना मेरे से क्लिप छूट गई क्योंकि थोड़ी जल्दी फिर मुझे लग गई थी क्योंकि 10 बजने को थे। फिर मुझे खाना लेके खेत भी जाना था तो बस सिंपल था, आलू मेरे फ्राई हो गए थे उसके ऊपर मैंने ग्रीन वेज डाल दी थी। ग्रीन वेज के साथ ही मैंने जितना भी ऑनियन डाला था उस तरह से वो सारा ही इकट्ठा ऐड कर दिया था। तो हरी सब्जी में मुझे बहुत सारा प्याज डाल के वैसे ऐड करना अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन गए हैं मेरे यम यम भटूरू। रखेंगे इसको तो काफ़ी सारी हो गई है मेरे ख्याल से, डेढ़ दो किलो तो निकल गई है उतने में से। ये देखिए तिल, इसका तेल भी बनता है लेकिन हम इसको स्टफिंग में यूज़ करेंगे। स्टफिंग में बहुत अच्छे होते हैं इसके तिल वाली सिगड़ियाँ, सिड्डू और भटूरू परौंठे, और सबसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं तिल वाले पकवान, कोट करके जो पकैन बोलते हैं। तो कभी बनाऊंगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। हल्की हल्की सी इसको छानने को रहेगी, ये देखिए ये जो ऐसे ऐसे हैं इसमें से, तो निकाल देंगे इनको अच्छे से। फिर तो जो बाकी इसका भी जो से ये वाले हैं ना, इसका भी देखिए ये है, इससे निकलेगा अंदर से कोलथ जिससे हमारी ना ट्रेडिशनल फूड हिंडरा बनता है, तो वो बाहर वाला फेंक देते हैं हम। ये देखिए तो फटाफट से खाना पैक करके मैं पहुंच चुकी हूँ खेत। डैडी ने और दोनों मिस्त्रियों ने खाना खा लिया है और यहाँ देखिए यहाँ आ गई है शामनगर बस, और मैं भी ये घड़ी बैठूँगी फिर यहाँ से वापस चले जाऊँगी। थोड़ा सा आप लोगों के साथ व्यू शेयर किया है, बादल निकले हैं लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है, बहुत टाइम हो गया है, बारिश की बहुत ज़रूरत है आजकल। तो चलिए मैं भी यहाँ पर खाना देती हूँ और फिर चले जाऊँगी वापस। ये देखिए मैंने ना यहाँ पर पिल्लो लाया और यहाँ बाहर ब्लैंकेट लाया क्योंकि मैं पीछे से आई थी, तो पता क्या होता है धूप में जाते हैं तो पसीना निकल जाता है, मुझे भी ऐसा ही हो गया था। और यहाँ देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चली है, तो ठंडी ठंडी हवा में ठंड लग गई थी। फिर मैंने पहले तो स्वाटर वियर करी और यहीं पर ही बैठ गई, रौनक से ही मैंने पिल्लो मंगाया और फिर बाद में मुझे नींद जैसी पड़ गई तो रौनक ने मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छा जैसा लगा। यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा है, धूप तो अब आर पार को ही देखने को मिलेगी, यहाँ पे धूप चली गई है तो 3:30 बजे ही यहाँ से धूप चली जाती है, आगे आगे तो सर्दी तक तो मेरे ख्याल से एक बजे चले, हाँ तो सर्दी तक तो 1 बजे ही चले जाती है, तो मेरे मायके में तो आती ही नहीं है, यहाँ कम से कम देखने को तो मिल जाती है। वो इस कॉर्नर पर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इस वाली साइड में, ये देखिए ये वाला घर। तो मेरे कुछ लोगों को ना घर काफ़ी पसंद आ रहा है, लक्कड़ वाला घर, तो हमारे ऐसे ही होते हैं पहाड़ों में लक्कड़ वाले घर। तो उधर को जो बना है वो, ये देखिए उधर को जो बना हुआ तो देखिए मेरे हस्बैंड आए हैं बनाना, इसमें है फ्रास्पिन, ब्रिंजल और ये मेरी फेवरेट स्लाइस, कर्ड भी लाई है और ये पनीर लाए हैं, टमाटर है, बहुत सारे मैगी के पैकेट हैं और ये मम्मी का मेडिमिक्स सोप है, गवावा, ये ना सारे ख़राब कर दिए, देखिए पिचक गए हैं, गर्मी होनी रास्ते में अदरक लाए हैं, यहाँ पर पहले भी पड़ा था। तो चलिए मैं अभी सबको सैनिटाइज कर देती हूँ, मतलब अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और ये देखिए ये हैं अखरोट, पहाड़ी अखरोट हैं, यही है ये लिए हुए हमने। और ये है एप्पल, कच्चे एप्पल हैं, अभी हाइट से आए हैं। और ये देखिए ये कोई खा ही नहीं रहा है सर्दी के वो से, जुकाम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये है लेमन, ये यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सी है मेरे गांव में लड़की, मतलब कि लड़की क्या शादीशुदा है, उसने दिए हैं, बहुत अच्छे लड़के, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, रौनक भी खाने में खाता है तो चलो अच्छे हैं ये भी। घिया ले आए हैं और जबकि अंदर घिए और भी पड़े हैं, चलिए फटाफट से मैं ये सारा साफ़ कर देती हूँ। ओह ये तो मैं भूल ही गई, यहाँ देखिए मिठाई आई है गिल स्वीट्स, झाकड़ी वालों को पता है झाकड़ी की काफ़ी ही मशहूर मिठाई है, मुझे भी काफ़ी पसंद है तो ये ले आए हैं, तो चलिए मिठाई भी खाएंगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए शाम के बजे हैं पूरे 5 और देखिए आते ही खाना वगैरह खाया, कपड़े बदले, तो देखिए आते ही काम हो रहा है शुरू, इसे कहते हैं कामकाजी पुरुष। तो मम्मी अंदर सो गए थे क्योंकि उनको पेट में पता नहीं क्यों दर्द होनी शुरू हो गई थी, ठंड जैसी है सुबह शाम ठंड लग गई होगी। इधर मुड़ो तो ये देखिए
ये काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए रौनक, देखिए रौनक महान हस्ती को नहला रहे हैं उसके पापा। तो रौनक अपने पापा का लाडला है। तो यहाँ पे मैंने सारा धो के रख दिया है अच्छे से, काफ़ी टाइम तक ये पानी में डाल के रखा था, मैंने सब कुछ अच्छे से वॉश कर दिया है। तो मैं ये पनीर ही बना दूँगी आज शाम को डिनर। आज तो रौनक की बसंत विहार लगी हुई है। रौनक इधर देखो, तो आज पापा के साथ सो रहे हो। रौनक अपने पापा को ना मैग्नेट बोलता है क्योंकि रौनक चिपकता है अपने पापा को। तो रौनक को तो छेड़ने की देर होती है, रौनक शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं भी अब सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो चलिए इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे ही एंड, मिलती हूँ कल फिर आपसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।